छात्रों को सच्चाई का पाठ पढ़ाने वाले ही झूठ का सहारा लेकर अपनी गलतियों को छुपाने में लगे हुए हैं। बच्चों को इनके द्वारा कैसी शिक्षा दी जाती होगी, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दरअसल शिवपुरी के नरवर में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा नाजिया मिर्जा का स्कूल प्राचार्य ने विद्यालय में वर्ष 2019 में नाम दर्ज किया था, लेकिन कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं 3 वर्षों की शिक्षा पूरी करने के बाद भी प्राचार्य मनोज भार्गव ने छात्रा को आज तक तीनों कक्षाओं की मार्कशीट नहीं दी है। हालांकि कई बार छात्रा और परिजनों ने मार्कशीट लेने के लिए प्राचार्य से गुहार लगाई। इतना ही नहीं, मार्कशीट के लिए सूचना का अधिकार का सहारा भी लिया, लेकिन इन 3 वर्षों में हर बार सिर्फ झूठा आश्वासन ही दिया गया। आपको बता दें कि 3 सालों से छात्रा और उसका परिवार मार्कशीट के लिए विद्यालय के सैकड़ों चक्कर लगाकर भटक रहे हैं। देश का भविष्य कहे जाने वाली छात्रा के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले प्रभारी प्राचार्य और जिम्मेदारों की लापरवाही से छात्रा काफी मानसिक तनाव में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। वहीं मामले में कार्यवाही की बात करें तो मामले में विकास खंड अधिकारी संजीव अग्रवाल से चर्चा की गई। उनके द्वारा स्पष्ट जांच करते हुए जिलाधिकारी को जांच सौंप दी गई है। मैंने 9th क्लास 2019 में 9th क्लास करा था, जिसकी रसीद काटी थी सर ने, और वो मेरी मार्कशीट नहीं दी थी। और 2020 में मैंने 10th करा था, जिसकी भी मार्कशीट नहीं दी उनने, जिस कोरोना वायरस से सब बच्चे पास हुए थे और मेरी मार्कशीट नहीं दी थी उनने। और 2022-21 में मैंने 11th किया था, उसकी भी मार्कशीट नहीं दी। संबंधित संपर्क प्राचार्य की जांच जिला शिक्षा अधिकारी शुभ्री के द्वारा मुझे प्राप्त हुई थी। इसकी जांच का प्रतिवेदन तैयार कर दे, मेरे द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी शिवली की ओर कार्रवाई हेतु प्रस्तावित कर दिया गया। मैंने 9th क्लास 2019 में 9th क्लास करा था, जिस और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमर खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमर, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से ये छात्रा लगातार पिछले 3 वर्षों से मार्कशीट के लिए भटक रही, आखिर क्या कारण है कि प्रभारी प्राचार्य जो है वो मार्कशीट नहीं दे रहे हैं? पूनम, मैं बता दूं, ये पूरा मामला अपना शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक उच्चतर विद्यालय नरवर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा एक बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है, जो कि ये नाजिया बानो जो है छात्रा ने कक्षा 9 से 9 और 10 और 11 तीनों जो है के क्लासों में उसने अपनी फीस जमा करके और पढ़ाई की है, लेकिन तीनों सालों से आज तक जो है 3 वर्ष की एक भी मार्कशीट प्राचार्य के द्वारा नहीं दी जा रही है। जी, लगातार 3 सालों से छात्रा भटक रही है मार्कशीट के लिए, प्रभारी प्राचार्य की तरफ से क्या कुछ कारण बताया जाता है, आखिर क्यों वो मार्कशीट नहीं दे रहे? और इसके अलावा अगर छात्रा और छात्रा के परिजनों की बात करें तो वो कहाँ कहाँ अपनी शिकायत लेकर पहुँचे प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ? परिजनों की बात की जाए तो परिजनों ने तो प्राचार्य से काफी सैकड़ों बार गुहार लगाई है, और प्राचार्य से मेरी खुद की बात भी हुई थी, मैं भी परिजनों के साथ गया हुआ था। बाकी उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया वो आज आ जाएगी, एक महीने बाद आ जाएगी, उसमें नाम गलत हो गया था, ये हो गया था, जबकि हकीकत में अगर उसकी जब तह तक में गया, उसकी सच्चाई जो देखी, तो प्राचार्य ने 10th क्लास का उसका फॉर्म ही नहीं भरा था। हमने 10th जब प्राचार्य से मनोज भार्गव से वो उनको प्रवास दे रखा है, उनसे जब इस मामले में चर्चा की तो वो कैमरे के सामने से एक बचते हुए नजर आए, लेकिन फिर हमने खुफिया तरीके से जब उनसे इस चीज का सवाल किया तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हमारी गलती हो गई, हमने 10th क्लास में उसका फॉर्म ही नहीं भरा है। जब इन लोगों ने फॉर्म ही भरा है प्राचार्य के द्वारा, तो फिर मार्कशीट ये कहाँ से दे देंगे? इसके बाद ये लिख के भी दे रहे हैं, विद्यालय की सील लगा के दे रहे हैं कि मैं 10th क्लास की मार्कशीट ला के दूंगा। तो कितना बड़ा झूठ का यार सहारा लिया जा रहा है।
बिल्कुल एक बड़े झूठ का यहाँ पर सहारा जिस प्रकार से लिया जा रहा है, अब छात्रा के परिजन कहाँ गुहार लेकर पहुंचे हैं और उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन यहाँ पर दिया गया, क्या इस प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी? अब ये जिला प्रशासन जो अपने जिला अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी लापरवाही दिख रही है। उनके सामने उनके संज्ञान में पूरा मामला है। वो ये परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की है, सूचना का अधिकार भी लगाया कि किसी तरह हमारी बच्ची के 3 साल जो भविष्य पढ़ाई का बर्बाद हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। हमारे कागज मिल जाए, हमारी मार्कशीटें मिल जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्कशीट ना वो उपलब्ध सूचना के अधिकार से करा रहे हैं और इस पर पूरा जिला प्रशासन जो है, जिला शिक्षा अधिकारी, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं लीपापोती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया कमर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जिस प्रकार से ये पूरा मामला है, 3 साल से एक छात्रा अपनी मार्कशीट के लिए भटक रही है और गलती साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रभारी प्राचार्य की निकल कर आई है, लेकिन कह सकते हैं कि अधिकारियों का या तो फिर संरक्षण या किसी प्रकार की लीपापोती की जा रही है और इस मामले को दबाया जा रहा है। हालांकि जब अब विकास खंड अधिकारी के पास ये पूरा मामला पहुंचा है, संजीव अग्रवाल से चर्चा की गई है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि स्पष्ट जांच के उन्होंने निर्देश दिए हैं, जांच सौंप दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है।